दोस्तों 2024 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पढ़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतुओं का आगमन होता है, प्रकृति जगमग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2024 22 जुलाई और सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पढ़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं, आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पढ़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को पांचवां सोमवार है। दोस्तों ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पढ़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो, और सावन व्रत में ये फल तो कभी मत खाना नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर एक, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों नंबर दो, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों नंबर तीन, कुत्तू या सिंगाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए, लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर एक, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों नंबर दो, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है
और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा न करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेल पत्र कभी मत चढ़ाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप ये जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिव लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है।
नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर दो, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर तीन, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर चार, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी न मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है, जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर पांच, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है, मंदिर के अंदर कारण क्या है, शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली को बजाना क्यों ना करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है, तो ये पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब जाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, तीन बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, एक सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाएं शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना। दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुण घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है घंटी बजाना? पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ, बजाए जाओ, बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है,
साधक हैं, संत हैं, साधु हैं। मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बंद दिया जाता है, जिससे बजे ना। कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रा अवश्य है या पटबंद है। कुछ समय पटबंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीवों को। मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पटबंद दरवाजा बंद और लिखा हुआ है, समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन में घर की यह चीज किसी को मत देना, नहीं तो हो जाएगा घर कंगाल, शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। सावन में कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूलकर भी ये 4 चीजें किसी को भी ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है, महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से वो उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो ये है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार न दें, जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या दान के तौर पर भी न दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए, और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी भी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वो चीजें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्य उदय होता है, सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको दो प्रकार के वस्त्र न तो खरीद कर लाने चाहिए और न ही किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखे भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती हैं। तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये चीजें होती हैं, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल कर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार न तो देनी चाहिए और न ही लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, न ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काले और सफेद कपड़े न दे जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को न दे। आप चाहे तो सावन में बाजार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है, तो किसी भी सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती है और यही चीजें मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगल सूत्र और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, ये पांच चीजें किसी भी सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी ऐसे ही, चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और न ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर सदा बरसती है। सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए।
अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है, तो सावन में नमक का दान करना न भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख कर जाए। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है।